प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए देवर्ष के पाठ्य पुस्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अजातशत्रु के द्वितीय अंग के प्रथम दृश्य में अजातशत्रु की राज्यसभा के बारे में एकांकी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अजातशत्रु की राज्यसभा कैसी थी और इस एकांकी में किन बातों को लेकर के अजातशत्रु, समुद्रदत्त, द्वारिका, देवदत्त, जिनकी मुख्य रूप से भूमिका रही है। स्थान विशेष का नाम मगध स्थान पर या इनकी सभा होती है, वहां पर सम्राट द्वारा दूत भी प्राय रखे होते हैं और उसके अलावा राज्यसभा में सम्राट कल्याण की बात की जाती है कि किस प्रकार सम्राट के कल्याण की बात होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम अजातशत्रु राज्यसभा के बारे में जिस पुस्तक में राज्यसभा का वर्णन किया गया है उसमें कुछ अंक अर्थात दृश्य दिए गए हैं जिनमें अलग अलग पात्रों की अलग अलग भूमिका है। सबसे पहले अजातशत्रु की अपन बात करते हैं। अजातशत्रु की राज्यसभा में अजातशत्रु द्वारा सर्वप्रथम क्या कहा जाता है और किस बात को लेकर के उनके मध्य बातचीत होती है। अजातशत्रु, ये क्या सच है समुद्र? मैं ये क्या सुन रहा हूं? प्रजा ऐसा करने का साहस कर सकती है? चींटी भी पंख लगाकर बाज के साथ उड़ना चाहती है। राज कर मैं न दूंगा, यह बात किस जीवा से निकलती? बात के साथ ही वह भी क्यों न निकाल ली गई? कांसी का दंड नाय कौन मूर्ख है? तुमने उसी समय उन्हें बंदी क्यों नहीं किया? अर्थात अजातशत्रु द्वारा ये बात कही जाती है कि कांसी में जिस प्रकार समुद्रगुप्त सम्राट बनने की बात होती है, उस समय उन दोनों के मध्य मतभेद होता है और प्रजा एक दूसरे की बात को मानने को तैयार होती है। उस समय अजातशत्रु कहता है कि जब एक छोटी सी चींटी को पंख लग जाते हैं तो वह भी आकाश में बाज के समान उड़ना चाहती है, अर्थात अपनी उड़ान की तुलना बाज पक्षी से करना चाहती है। वह पूर्णतया सही नहीं है, अर्थात हमें इस बात का अंदेशा देना है। अगर इस प्रकार कोई उड़ना प्रारंभ कर दे तो आने वाले समय में राजा ही राजा बनते रहेंगे, तो यह स्वाभाविक पूर्णतया गलत है और ऐसा अगर होता है तो उसे कांसी में ही, अर्थात कांसी एक स्थान विशेष का नाम है, वहां पर ही उसे दंड दे देना चाहिए। फिर समुद्रदत्त अपनी वाणी उस राज्यसभा में रखता है और बात करता है कि मुझे क्या बात करनी है, और समुद्रदत्त द्वारा उस चीजों को लेकर के जिक्र किया जाता है। समुद्रदत्त कहता है, देव मेरा कोई अपराध नहीं है, कांसी में बड़ा उपद्रव मचा था। शैलेंद्र नाम विकट डाकू के आतंक से लोग पीड़ित थे। दंड नायक ने मुझसे कहा कि कांसी के नागरिक कहते हैं कि हम कौशल की प्रजा है, और क्योंकि समुद्रदत्त द्वारा ये बात कही जाती कि मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है, अर्थात मैं अपराधी नहीं हूँ। अपराधी नहीं होने का तात्पर्य ये है कि कांसी में ही एक विकट नाम का शैलेंद्र नाम का डाकू, विद्यार्थी ध्यान देना, अक्सर कई बार ये होता है कि एकांकी या फिर कथा संग्रह अपन पढ़ते हैं उसमें नामों का विशेष महत्व होता है, या नाम एक विशेष रूप से डाकू का है। डाकू का नाम है शैलेंद्र। शैलेंद्र एक बहुत ही आतंकी डाकू था और कांसी के नागरिक ही कौशल राजकुमार प्रजा के हितेशी बनते। अजातशत्रु, कहो क्यों रुकते हो? अजातशत्रु कहते हैं, समुद्रदत्त, अगर आपने अपराध नहीं किया तो आप मुझे कह सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है? समुद्रदत्त, और हम लोग उस अत्याचारी राजा को कर न देंगे जो अधर्म के बल से पिता के जीते ही सिंहासन छीन कर बैठ गया है और जो पीड़ित प्रजा की रक्षा भी नहीं कर सकता है, उनके दुखों को नहीं सुनता। यहाँ पर समुद्रदत्त कहता है कि मैं किसी प्रकार यहाँ पर अत्याचारी राजा को अधर्म के बल पर यानी कूटनीति के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को सिंहासन पर बैठने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही दुख सहने पड़े। कहने का मतलब
यहाँ का मगध का सम्राट वही होगा जो नीति के अनुसार चलता है तथा राज्य का शासन नीति अनुरूप करता है। अनीति पर शासन चलाने वाले व्यक्ति का मैं समर्थन नहीं करता हूं। तब अजात शत्रु कहता, हाँ हाँ कहो, संकोच न करो, अर्थात जो भी आपके मन में है वो कहिए, इस बात का आप संकोच मत करिए। तब समुद्रदत्त कहता है, सम्राट इस तरह की बहुत सी बातें वे कहते हैं, उन्हें सुनने से कोई लाभ नहीं है, अब वह किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की बहुत से लोग बातें करते हैं, सुनते हैं तथा सुनने के साथ साथ किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए मैं ऐसी बातों को सुनना पसंद नहीं करता हूं। आप आज्ञा दीजिए, अब आगे हमें क्या करना है। तब अजात शत्रु कहते हैं, देखिए विद्यार्थी ध्यान से सुनोगे, तब अजात शत्रु कहते हैं, ओहो अब समझ गया, ये काशी की प्रजा का कंठ नहीं, इसमें हमारी विमाता का व्यंग्य स्वर है, किसी का प्रतिकार आवश्यक है, इस प्रकार अजात शत्रु को कोई अपस्त नहीं कर सकता। तब समुद्र दत्त की बात सुनकर अजात शत्रु कहता है कि मुझे इस बात का अंदाजा लग गया कि इसमें किसका मुख्य हाथ है, अर्थात किसका मुख्य रूप से इसमें सहयोग है, जिस कारण से मुझे अपदस्थ किया जा रहा है, अर्थात सम्राट के पद से हटाने का प्लान बनाया जा रहा है। इस बीच में कुछ सोचता है, यानी बातें सुन करके वो आपस में कुछ सोचते हैं, तब द्वारिक का प्रवेश होता है, यानी वहां सम्राट के जो द्वारिक रखे जाते थे, राजा के समय शासन के समय बहुत सारे द्वारिक रखे जाते थे, द्वारिक का प्रवेश होता है, वो कहते हैं जय हो देवदत्त आ रहे हैं, अर्थात सम्राट की जय हो, अब देवदत्त आ रहे हैं, यानी ये सूचना द्वारिका अजात शत्रु को पहुंचाते हैं और वो कहते हैं कि देवदत्त आ रहे हैं, देवदत्त के आने की सूचना दी जाती है। जैसे ही देवदत्त के आने की सूचना दी जाती है, तब देवदत्त कहता है, सम्राट कल्याण हो, धर्म की वृद्धि हो, शासक सुखद हो। देवदत्त का जैसे ही प्रवेश होता है, तब कहते हैं कि सम्राट का कल्याण हो, धर्म की जय हो तथा शासन सुखद हो, ये वाणी देवदत्त के मुंह से बोली जाती है, अर्थात वो हमेशा राज्य के कल्याण की बात करता है। तब अजाशत्रु, नमस्कार भगवान, आपकी कृपा से सब कुछ होगा, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आवश्यकता के समय आप पुकारे हुए देवता की तरह आ जाते हैं। अजाशत्रु देवदत्त से कहते हैं कि जैसे ही जब मुसीबत कुछ होती है, तब आप भगवान की तरह पुकार करके हमारे सामने उपस्थित हो जाते हो, अर्थात आप एक प्रकार के देवता है, यानी जिस समय मुसीबत में देवताओं को याद किया जाता है तो वो प्रकट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी दुख और परिस्थिति में जब आपको याद किया जाता है, आप स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद देवदत्त बैठते हुए, आवश्यकता कैसी राजन, यानी इस बात की कैसी आवश्यकता है राजन, ये देवदत्त के माध्यम से कहा जा रहा है कि ये कैसी आवश्यकता राजन, यानी आपको कमी क्या है, हम लोगों के पास आशीर्वाद के अतिरिक्त धराई क्या है, फिर भी सुनो। यानी देवदत्त कहता है, हम जैसे लोगों के पास में आशीर्वाद के सिवाय कोई कुछ है भी नहीं, जब आशीर्वाद की बात करते हैं तब आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें आशीर्वाद देना होता है। फिर अजाशत्रु कहते हैं, ओसल के दांत जम रहे हैं, वह काशी की प्रजा में विद्रोह करना चाहता है, वहां के लोग राजस्व देना अस्वीकार करते हैं। अजाशत्रु देवदत्त से बात सुनाते हैं कि कौशल के दांत जम रहे हैं, अर्थात कौशल के पैर अभी प्रगाढ़ हो रहे हैं, वह काशी की प्रजा में विरोध करना चाहता है, वहां के लोग राजस्व देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां के लोगों को भड़का दिया है। देवदत्त कहते हैं, पाखंडी गौतम आजकल उसी ओर घूम रहा है, यानी जो गौतम है वो बहुत ही पाखंडी है और वो इधर उधर घूम रहा है, इसीलिए कोई चिंता नहीं, गौतम की कोई चाल नहीं चलेगी, यदि मुनि व्रत धारण करके भी वो ऐसे साम्राज्य के षड्यंत्रों में लिप्त है तो मैं भी अठवंश उसका प्रतिद्वंद्वी बनूंगा, परिषद का आह्वान करो। अर्थात देवदत्त कहता है कि अगर वो एक मुनि होकर के भी इस प्रकार के कार्य करता है तो मैं उसका घोर विरोध करूंगा और साथ ही साथ उसकी बातों को नहीं मानूंगा और हठवंश होकर के उसका प्रतिनिधित्व करूंगा तथा
वह कहता है अभी आप परिषद बुलाओ और परिषद के माध्यम से ये आह्वान करो कि हम किसी प्रकार उसका सहयोग नहीं करेंगे। उसके बाद अजातशत्रु जैसी आज्ञा द्वारिका से जाओ जी परिषद के सभ्यों को बुला लाओ, अर्थात अजातशत्रु का आदेश पा करके द्वारिक स्वयं वहां जाता है और परिषद के दूसरे सभी लोगों को बुलाता है। बुला करके वो परिषद के लोगों से इस समय बात करता है कि ऐसा क्या हो रहा है। द्वारिका अर्थात द्वारिक द्वारिक वहां जाता है, जाकर के लोगों को बुलाता है और बुलाने के बाद में उन लोगों के सामने अपनी बात रखता है। द्वारिक जैसे ही वहां से प्रस्थान करता है विद्यार्थियों, तब वो मुंह से बोलता है कि सम्राट की जय हो, कौशल से कोई गुप्त अनुसरण आया है, ये दर्शन की इच्छा प्रकट करता है। द्वारिक जाता है, फिर वो प्रवेश करता है, तब वो सम्राट की जय बोलता है और कहता है गुप्त अनुसरण आया है, अर्थात वो अपनी सूचना लेकर के कोई आया है दर्शन करने का इच्छा, देवदत्त उसे लेवा लाओ अर्थात उसे बुला लाओ। द्वारिक जाकर के लेवा जाता है। दूत मगध सम्राट की जय हो, कुमार विरुद्धक ने ये पत्र श्रीमान की सेवा में भेजा है। दूत के माध्यम से पुराने समय में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हमेशा पत्र भेजे जाते थे। जैसे ही दूत उसको पत्र देता है, उसमें लिखा होता है कि श्रीमान की जय हो, ये पत्र आपके लिए भेजा है। पत्र देता है अजातशत्रु, पत्र पढ़कर देवदत्त को देता है। देवदत्त वहा कैसा सुयोग है, हम लोग क्यों न सहमत होंगे, दूत तुम शीघ्र पुरस्कार और पत्र मिलेगा, जाओ विश्राम करो। वो कहता है देवदत्त आप जाइए विश्राम करिए, आपको शीघ्र इसका जवाब मिलेगा। जब विश्राम करने की बात आती है, तब दूत जाता है और विश्राम करता है। विश्राम करने के बाद अजातशत्रु कहते हैं गुरुदेव बड़ी अनुकूल घटना है, मगध जैसा परिवर्तन कर चुका है, वही तो कौशल भी चाहता है, हम नहीं समझते कि बुढ़ों का क्या पड़ी है, उसे सिंहासन का कितना लोभ है। जब उनके जाने के बाद बातचीत होती है, तब कहते हैं गुरुदेव बड़ी घटना अनुकूल है, मगध जैसा परिवर्तन हो चुका है, कौशल भी चाहता है कि बूढ़ों की क्या पड़ी है, अर्थात बूढ़े व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं है, हमें बूढ़े व्यक्तियों को सिंहासन का लोभ नहीं देना चाहिए, अर्थात उन्हें सिंहासन से हटा देना चाहिए। क्या वह पुरानी नियंत्रण में बंधी हुई संसार की कीचड़ में निमज्जित राजतंत्र की पद्धति नवीन उद्योग को असफल कर देती है, जैसा पुराने समय में वृद्ध व्यक्ति को भी राजा बना दिया जाता है, ये परंपरा पहले से ही बनी हुई है, ऐसी परंपराएं प्राय नहीं होनी चाहिए जो राजतंत्र को हमेशा कुछ करती अर्थात कमजोर बनाती है। हमें हमेशा एक ऐसे राजा का शासक का उत्तराधिकारी बनाना है जो शासन को संभाल सके। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, तिल भर भी जो अपने पुराने विचारों से हटना नहीं चाहता उसे अवश्य नष्ट हो जाना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो अपने विचारों से अर्थात अपने कार्यों से तिल भर भी हटना नहीं चाहता है, उसे हमेशा इस रास्ते से अलग हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना, क्योंकि ये जगत की ये रीत है कि हमेशा वो गतिशील ही रहता है। हमें इस बात का ध्यान देना है कि गतिशीलता को समझना है, जगत की गतिशीलता को जानना है, एक आने के बाद स्वतः ही दूसरा आता है, दूसरा आने के बाद स्वतः ही तीसरा आता है, यानी जगत की रीत है कि एक के बाद एक आता है। फिर देवदत्त, देवदत्त कहता है अधिकार चाहे भाई कैसे भी जर्जर और हल्की नींव के हो अथवा अन्याय ही से क्यों संगठित तो सहज ही मैं नहीं छोड़े जा सकता, भद्र जन उन्हें विचार से काम में लाते हैं, हठी और दुरागाई उन्हें अब तक परिवर्तन भी करना नहीं चाहते जब तक वे एक बार ही न हटा दिए जाए। यानी देवदत्त कहता है कि जब तक हठी लोगों को इस स्थान से नहीं हटाया जा सकता है, तब तक अपन किसी राज्य में परिवर्तन की अपेक्षाएं नहीं रख सकते है, हमें परिवर्तन की अपेक्षाएं करनी होगी, अर्थात परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है।
द्वारिका का प्रवेश होता है, बोलता है जय हो देव। इस बीच में जब इनके मध्य मंत्रणा अर्थात बात चलती है तब द्वारिका प्रवेश करता है, तब कहता है जय हो महामान्य परिषद के सभ्य गण आए है। यानी महामान्य परिषद के सभी जो गणे मान्य नागरिक है अर्थात राज कार्य में सहयोग करते हैं वह उपस्थित होते हैं। देवदत्त उन्हें लिवा लाओ अर्थात उन्हें अंदर बुलाओ। द्वारिक जाकर के लिवा लाता है। परिषद गण सम्राट की जय हो महात्मा को अभिवादन करते हैं। सम्राट की जय बोल के देवदत्त का भी अभिवादन करते हैं। देवदत्त राष्ट्र का कल्याण हो, राजा और परिषद की स्त्री वृद्धि हो। देवदत्त फिर आशीर्वाद देते हैं कि अपने इस राष्ट्र की जय हो तथा राजा परिषद की अभिवृद्धि हो। इस अभिवृद्धि के लिए सम्राट द्वारा जय का उद्घोष होता है और परिषद में जय होती है। परिषद गण सब बैठते हैं। बैठने के बाद में वे परिषद गण कहते हैं क्या आज्ञा है, यानी आज्ञा क्या है, आप क्या बात कहना चाहते हो। तब अजातशत्रु कहता है, विद्यार्थियों यहां ध्यान देने योग्य ये बात है कि अजातशत्रु इसके बाद क्या कहना चाहता है। आप लोग राष्ट्र के शुभ चिंतक है, यानी आप एक ऐसे शुभ चिंतक व्यक्ति है जो हमेशा राज्य के बारे में सोचते हैं। जब पिताजी ने ये प्रशांत बोझ मेरे सिर पर रख दिया और मैंने इसे ग्रहण किया तब इसे भी मैं छोटू की समझा। अर्थात जिस समय पिताजी ने मेरे ऊपर ये भार रखा राज्य संभालने का, उस समय मैंने मेरे जीवन को कौतुक की समझा अर्थात मजा की समझा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे परिस्थितियां हावी होती गई मुझे राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती गई, किंतु बात वैसी नहीं थी। माने महोदय राष्ट्र में एक ऐसी गुप्त शक्ति का कार्य खुले हाथों चल रहा है जो इस शक्तिशाली मगध राष्ट्र को उन्नत नहीं देखना चाहते, और मैंने केवल इस बोझ को आप लोगों की शुभेच्छा का सहारा पकड़ लिया था। आप लोग बताएं कि उस शक्ति का दमन आप लोगों के अमिष्ट है कि नहीं, या अपने राष्ट्र और सम्राट को आप लोग अपमानित करना चाहते हो। यानी अजातशत्रु कह रहे हैं कि आपके ही सहयोग से अर्थात विभिन्न मंत्रियों सेनापतियों और राज्य के विद्वान लोगों के सहयोग से ही मैंने राज प्राप्त किया, लेकिन आज कुछ लोग इस बीच में गुप्त रूप से राज्य में कुछ घुसपैठ करना चाहते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने जिस समय मुझे सम्राट बनाया उस समय किस चीजों को आपने सोचा नहीं था अर्थात सहारा नहीं लिया था, इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्र का या सम्राट का अपमान होना किसी भी देश की प्रजा और देश के राज्य का अपमान होना होता है। इसीलिए मैं आपको इस सभा के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं। आगे परिषद इसका जवाब किस प्रकार देती है विद्यार्थियों देखिए। परिषद कहती है कभी नहीं, मगध का राष्ट्र सदैव गर्व से पद दलित होगी। यानी ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा राष्ट्र का सदैव उन्नत होगा अर्थात हमारा राष्ट्र हमेशा आगे बढ़ेगा और विरोधी शक्ति पद दलित होगी। हमेशा विरोधियों का हम सामना करेंगे, डट करके करेंगे। ये बात कौन किसको कहता है विद्यार्थियों? परिषद कहती है। उसके बाद देवदत्त कुछ मैं भी कहना चाहता हूं। इस समय जब मगध का राष्ट्र अपने यौवन में पैर रख रहा था तब विद्रोह की आवश्यकता नहीं, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को उसकी उन्नति सोचनी चाहिए। जिस समय ये राष्ट्र मगध यौवन अवस्था में अर्थात जिस प्रकार बालक युवा अवस्था यौवन अवस्था प्राप्त करता है, जैसे ही यौवन अवस्था में ये प्रवेश कर रहा था तब उन्नति के लिए हम सभी सोच रहे थे और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य था। लेकिन राजकुल के कौटुंबिक झगड़ों से राष्ट्र से कोई ऐसा संबंध नहीं है, उसमें पक्षपात होकर हमने देश की और जाति की दुर्दशा करवाते हैं। हमें कभी भी एक दूसरे के प्रति झगड़े नहीं करने चाहिए जिससे राष्ट्र की अवनति हो तथा दुर्गति हो। राष्ट्र की विमाता बार बार विप्लव की सूचना दे रही है, यद्यपि महामान्य सम्राट बिंबिसार ने अपने सुयोग्य संतान को दी है। ऐसा दुष्टता क्यों है? कांसी जो बहुत दिनों से मगध का एक संपन्न प्रांत रहा है, वासवी देवी के षड्यंत्र से राजस्व का देना अस्वीकार किया है। यानी कहने का मतलब वासवी देवी द्वारा जो षड्यंत्र रचा है जिसके माध्यम से राजस्व देना वहां की जनता ने बंद कर दिया है। वह कहता है मैं कौशल का दिया हुआ वासवी का रक्षित धन हूं, ऐसा ऐसे सुर में धनी प्रदेश को मगध छोड़ देने को प्रस्तुत है, क्या फिर इसी तरह प्रदेश की भी स्वतंत्र होने की चेष्टा न करेगा, इसी राष्ट्र का कल्याण हो। यानी कहने का मतलब वासवी देवी महिला के माध्यम से जिस प्रकार हमने राष्ट्र का अनुद्धार हुआ है ऐसा मैं
नहीं चाहता हूं। अब इस तृतीय अंग की अजाशत्रु की सभा के माध्यम से अपने षड्यंत्र की जो बात पड़ी है, जिसमें देवदत्त, द्वारिका और दूत का विशेष स्थान रहा है, और दूत के माध्यम से शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी तथा उसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, और किस प्रकार राजा द्वारा एक प्रजा की रक्षा की जाती है, और राज्यसभा बुलाने का अजाशत्रु का एक ही उद्देश्य था कि यन केन प्रकार प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जाए। आज ये टॉपिक यही समाप्त होता है। इसके बाद अगला अजाशत्रु के दृश्य और राज्यसभा सेकंड की बात आपको विद्यार्थियों बताई जाएगी। तब तक आप अजाशत्रु, समुद्र, द्वारिका और स्थान मगध, दूध, राज्यसभा और सम्राट कल्याण की भावना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे।